केरल में एक दूसरे की नीतियों का विरोध करते हैं, आपस में लड़ते हैं और दिल्ली में सत्ता के लिए एक साथ आ जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को संसद पहुंचने के लिए यहां वायनाड आना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि वो वाम दलों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती, ये इनका खेल है। माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट पॉलिटिक्स बट इट इज अ सेल्फ इंटरेस्ट, इट इज कंप्लीटली अपॉर्चुनिटिज्म। साथियों, अगर ये सोचते हैं कि केरल की जनता इसको समझती नहीं है तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस के नामदार का कहना है कि साउथ को मैसेज देना था तभी वायनाड गया। अरे, तिरुवनंतपुरम से मैसेज नहीं जारी दिया जा सकता था क्या? ये तो राजधानी है। तिरुवनंतपुरम से नहीं तो पट्टनम सिट्टा से भी की ही मैदान में उतर आते और बड़ा मैसेज चला जाता। भाई और बहनों, ये मैसेज साउथ के लिए नहीं बल्कि ये मैसेज अपीजमेंट पॉलिटिक्स का है, जिसको कांग्रेस ने अपने विजन का हिस्सा बना लिया है। भाई और बहनों, कांग्रेस अमेठी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का विजन केरल के लिए लेकर के आई है। आज के डिजिटल इंडिया के युग में, जब स्मार्टफोन हर हाथ में है और डेटा दुनिया में सबसे सस्ता हमारे यहाँ है, तब अमेठी की हालत जानने में केरल को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।